ओके सो हेलो गाइस, दिस इज रवि राज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर आपको अगर अपनी वीडियो वायरल करानी है ना तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे हटके वीडियो लेकर आया हूँ, किसी के जैसा मैं यहाँ पर तरीका नहीं बताने वाला हूँ। तीन ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको आप अगर अपनी वीडियो में यूज कर लेते हो ना तो आपकी वीडियो 100% वायरल होने वाली है। तो गाइस मैं बिना बकवास के वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। सो गाइस मैं उससे पहले आपकी थोड़ी सी गलतियां बता देता हूं, यहां पर आप गलतियां करते क्या हो। अगर गाइस आप अपने लाइक्स एंड फॉलोवर किसी वेबसाइट या किसी ऐप से बढ़वा रहे हो तो ये जो तरीके है ना आपकी आईडी पर मतलब नहीं करेंगे काम। अगर आप किसी और वेबसाइट से मतलब लाइक्स एंड फॉलोअर बढ़वा रहे हो तो वहाँ उस पर ये काम नहीं करेंगे। ये तीनों तरीके पहले ही बता देता हूँ। तो मैं आप तरीका बता देता हूँ, तीनों तरीके है कैसे, मतलब क्या नाम है इन तरीकों का। तो गाइस पहला जो तरीका है, वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी रखनी है वो भी बताऊँगा, और वीडियो का टाइमिंग किस टाइम पर आपको अपलोड करना है, और गाइस यहाँ पर टाइम पर अपलोड करना है। और तीसरा जो तरीका है वो बोल गया मैं। तो गाइस नंबर थ्री ट्रिक है, आपको हैशटैग कैसे लगानी है। और हाँ गाइस मैं आपको अपलोड करने का तरीका बताऊंगा, एक्टिंग आपके ऊपर है, आप कैसी एक्टिंग कर रहे हो, कैसा कंटेंट बना रहे हो वीडियो में। तो गाइस एक्टिंग भी देखते हैं, एक्टिंग आपकी अच्छी होगी तो सब कुछ मतलब सही होगा, एक्टिंग अच्छी करोगे तो लाइक भी करेंगे। तो सब कुछ यही बता रहा हूँ गाइस, तो आप उसकी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहला तरीका है जो गाइस वीडियो की क्वालिटी। तो क्वालिटी के नाम पर गाइस मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वीडियो यार एक दिन पहले अपलोड की गई है, यहाँ पर वन डे लिख के आ रहा है, मतलब एक दिन पहले वीडियो अपलोड की गई है, ठीक है। और इस पर 36 मिलियन व्यूज़ हैं। अब यहाँ पर गाइस 36 मिलियन व्यूज़ भी हैं और इसके फैंस भी बहुत ज़्यादा हैं और 1 मिलियन से ज़्यादा लाइक भी हैं, ठीक है। और सोचने वाली बात यहाँ पर यह है, इस पर एक भी हैशटैग यूज़ नहीं किया गया है। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे, यहाँ मैंने इसकी क्वालिटी देखी ना तो बिल्कुल पानी की तरह चल रही थी यार वीडियो, इतनी ज़्यादा ये क्वालिटी की वजह से वीडियो वायरल हुई है। तो यार क्वालिटी आपको बहुत अच्छी रखनी चाहिए अपनी वीडियो की, तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको देखो मैं बता देता हूँ क्वालिटी कैसे, अगर आपके पास 10,000 वाला फ़ोन है या फिर 6,000 वाला या 7,000 वाला, ठीक है, तो उनमें अच्छी क्वालिटी नहीं आती, आप टिकटॉक ऐप से मतलब शूट कर लेते हो वीडियो, डायरेक्ट वहीं पोस्ट कर देते हो। तो गाइस ऐसा नहीं करना है आपको, आपको देखो किसी दोस्त से बोल देना कि आपके फ़ोन में यार एक थोड़ी देर के लिए ये टिकटॉक ऐप से मतलब सॉन्ग बजा ले मैं। और गाइस आपको क्या करना है, अपने फ़ोन का नॉर्मल जो कैमरा आता है ना वहाँ से आप शूट करना, उसी सॉन्ग पर मतलब सॉन्ग साइड में एक बंदे को दे देना फ़ोन बजा कर कि यार बजा ले मैं एक्टिंग कर लेता हूँ, या फिर आपके पास दो फ़ोन होंगे तो यूज़ कर लेना, ठीक है। तो ये तरीका आपको यूज करना है, एंड जो फोन का कैमरा होता है ना उससे आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी गाइस, मैं तो यही करता हूँ और वीडियो वायरल भी होता है। जो जो लोग मुझे टिकटॉक पर फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा मेरी वीडियो पर अच्छे खासे लाइक्स आते हैं, ठीक है। तो ये तरीका यूज करोगे ना, काइन मास्टर एप्लीकेशन से आप एडिट कर लीजिए वीडियो को। और गाइस कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, सॉन्ग पे उसी पे अपलोड करनी चाहिए जो कि गाइस उस टिकटॉक में चल रहा है, उसी सॉन्ग पर अपलोड करनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये मैंने पहला तरीका बता दिया है क्वालिटी के ऊपर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी का है। अब गाइस यहाँ पर टाइमिंग की बात कर लेता हूँ, आपको टाइमिंग पर किस टाइमिंग पर वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो गाइस मैंने देखा यार टिकटॉक पर, जो कि गाइस 2-3 दिन से मैं देख रहा था कि रियाज जो फेसबुक मतलब रियाज जितने भी टिकटॉक स्टार है ना किस टाइम पर वीडियो अपलोड कर रहे थे। तो गाइस मैंने यहाँ पर देखा सुबह में भी और दिन पहले भी देख रहा था कि यार वो 4 बजे से 10 बजे के टाइम के बीच में ना 4 बजे से 10 बजे तक वीडियो अपलोड करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, पूरे दिन ना वीडियो मतलब पूरे दिन जो है ना वीडियो रनिंग करती रहती है टिकटॉक के एल्गोरिथम के हिसाब से गाइस। तो ये टाइमिंग का भी हमारे बहुत ज़्यादा झमेला है, मतलब टाइमिंग का आपकी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस मैंने यहाँ पर आपको नंबर 2 ट्रिक भी बता दिए। तो गाइस यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ नंबर 3 ट्रिक, जो कि गाइस हैशटैग वाली है। तो देखो हैशटैग का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर गाइस आप हैशटैग लगाते हो अपनी वीडियो में तो गाइस आपका अगर उस हैशटैग में वीडियो वायरल हो जाती है तो गाइस वो ऊपर आ गई अब उस हैशटैग में आपकी वीडियो ना, तो आपकी वीडियो और भी वीडियो वायरल करेगा टिकटॉक के, इसकी वीडियो ऊपर आई है तो और भी वीडियो को सर्च लिस्ट में डालेगा और वो सबके सामने वीडियो आएगी गाइस। तो ये देखो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि आपको हैशटैग कैसे मतलब यूज़ करने है। अब गाइस मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको हैशटैग लगाने कौन से हैं। देखो जब भी आप यहाँ पर वीडियो को अपलोड करने जाते हो तो यहाँ पर गाइस जब हैशटैग पर आप क्लिक करते हो तो 2-3 हैशटैग खुद ही आने लगती हैं, मतलब ब्लू कलर का टिक आता है लाइक का, एंड गाइस यहाँ पर जो है मतलब
तीन चार हैशटैग खुद ही आने लगती हैं, तो उन वाले हैशटैग को आपको ज़रूर से यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? टिकटॉक खुद ही कह रहा है कि यार ये आप यूज़ करो। क्यों दिखा रहा है? वो इसलिए दिखा रहा है कि आप इनको यूज़ करोगे तो आपकी वीडियो मतलब रैंक करेगी। और गाइस जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो ना, वहाँ पर उस टॉपिक को ना ऊपर एक लाइन ज़रूर लिख दीजिए, चाहे मतलब कोई भी टॉपिक पे वीडियो हो तो उसके एक लाइन लिख दोगे ना, तो गाइस सच में कह रहा हूँ आपकी वीडियो यहाँ पर इतना काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इतना मतलब कंप्लीट हो जाएगा ना गाइस, इतना ज़्यादा काम, तो आपकी वीडियो जरूर से जरूर वायरल होने वाली है। और वो आपके ऊपर है, आपकी वीडियो की क्वालिटी मतलब आपकी वीडियो में कंटेंट कैसा है और एक्टिंग कैसी कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर है। आप एक्टिंग ठीक से करोगे तो सब कुछ मैंने आप लोगों को अपलोड करने का ना तरीका बता दिया है, तो आप इसी तरीका से अपलोड करोगे। तो गाइस मैं तो इसी तरीका से करता हूँ तो मेरी वीडियो वायरल होती है। जो जो लोग मुझे टिकटॉक पर फॉलो करते हैं ना, उनको पता है। और गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो मैं अगर आपको ये तरीके पसंद आए हो ना, तो मेरे को यार कमेंट करके बताना और अपनी टिकटॉक आईडी भी नीचे लिख देना कमेंट में। इससे क्या होगा, मैं देख लूँगा आपकी टिकटॉक आईडी को और आपके जो आईडी में चल रहा है ना, मैं उसी के हिसाब से आपकी वीडियो बनाऊंगा। अपनी और टिकटॉक से रिलेटेड परेशानी बताइए, आपकी आईडी में क्या हो रहा है, तो गाइस मतलब मैं आपकी और इस परेशानी पर वीडियो बनाऊंगा। तो कमेंट कर देना नीचे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे यहाँ पर अगली वीडियो में, तब के टाटा बाय बाय एंड लव यू, टेक केयर।